ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਜੱਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਆ ਕਲੇਸ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ और प्रॉब्लम है उसके साथ तुमने एक कोऑर्डिनेशन बना के पूरा जो वहाँ पर मूवमेंट चला हुआ है उसको सपोर्ट करेंगे और जो हमारा 3 कानून है जो आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है उसकी सपोर्ट जैसे पहले यहाँ से हो रही थी इसी तरह से दोबारा भी आश्वासन दिया कि हम पूरा फार्मर्स मूवमेंट के साथ में हैं तो इनका धन्यवाद करते हैं और हम बंगाल को एक जो मॉडल स्टेट उसकी तरफ पे बंगाल काम करें जो यहाँ की कोर पॉलिसी है उन पॉलिसी पर काम करें किसानों को ज्यादा लाभ यहाँ पे मिले कृषि नीति के किसानों को लाभ मिले जो यहाँ का पोल्ट्री फार्म जैसे किसान मूवमेंट बंगाल में आपको पता है कि हम सिंगुर मूवमेंट से शुरू किया था और 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक भी किया था कि किसान का जमीन नहीं लेना चाहिए फोर्सफुली अरे हम कानून बातिल किया था और अभी हमारा स्टेट में ही कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए किसान का नहीं लेने देंगे इसी के लिए हमारा कानून भी है मॉडल है इंडिया का तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिल के कर सकती हूँ और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए जैसे लोकसभा चुनाव का पहले लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले ਇਹ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕੈਤ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੰਵਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭੰਵਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं तो पहला भी सचिन पायलट की अगवाई कई विधायकों ने बगावत कर दी सी। इस दे चलद जतेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलन वर्गी कोई गल नहीं है और ना ही कांग्रेस सरकार कोई खतरा है। इस दौरान सचिन पायलट का कहना सी कि पार्टी सत्ता में लियाने वाले वर्कर की सुनवाई ना होना माड़ी गल है। उधर दूजे पासे पंजाब कांग्रेस में भी चल रहा कलेश किसी तो गुजा नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ भी कई विधायकों ते मंत्रियों ने बगावत का झंडा चुकया होया है और यह सियासी लड़ाई दिल्ली हाईकमान तक भी पहुँच गई। इस सियासी लड़ाई को सुलझाने लई हाईकमान वालों जतन किए जा रहे हैं। विदेश भेजण के नाम से अक्सर ही नौजवानों को ठगी का शिकार होना पैंदा है। जलंधर दिल्ली ते फगवाड़ा के ट्रैवल एजेंटा वालों इंग्लैंड भेजण के बहाने नौजवानों नाल कीती ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इन्हां ट्रैवल एजेंटा ने जाली दस्तावेज लगा के नौजवानों इंग्लैंड भेजण लई वीजे लगवा दिते। यह मामला ब्रिटिश एम्बेसी ने फड़ लिया ते 66 नौजवानों की लिस्ट बना के जलंधर पुलिस को भेज दिती जिन्हों के वीजिया नाल जाली दस्तावेज लगे हुए सन। 66 नौजवानों की जाली वीजे वाली भेजी गई सूची विचों कई नौजवान इंग्लैंड पहुँच भी चुके ने। इस मामले की जांच तो बाद पुलिस ने 6 ट्रैवल एजेंटा के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस कार्रवाई तो बाद जाली दस्तावेजों के सहारे वीजा लैके इंग्लैंड पहुँचे व्यक्तियों का भविख भी खतरे च पै चुका है। इंग्लैंड पहुँच चुके इन्हां व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने नहीं पता कि उन्होंने वीजे नाल जाली दस्तावेज लगाए गए ने। पंजाबी गायक खान साहब नूं फगवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी कोरोना नियमों दी धज्जियां उड़ाउण नूं लैके की गई है। हालांकि बाद विच गायक नूं जमानत ते रिहा कर दिता गया। जानकारी मुताबिक खान साहब ने बीते दिन अपना 27वां जन्मदिन मनाया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया उत्ते वायरल हो रही है जिस विच गायक दे दर्जना दोस्त ते बैंड वाले विखाई दे रहे ने। इन्हां विचों किसी ने भी मास्क नहीं पाया ते ना ही समाजिक दूरी की पालना की गई जिस कारण खान साहब नूं गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इस दौरान कोरोना नियमों दीआं धज्जियां उड़ाईआं। खान साहब तो इलावा 4 होर लोगों विरुद्ध परचा दर्ज किया गया जिन्हां दे नाम भी शामिल किए गए ने। उन्हां तो इलावा बैंड वालों विरुद्ध भी परचा दर्ज किया गया जो कि जलंधर के दसे जा रहे ने। राम रहीम नूं लैके पत्रकार अंशुल छत्रपति ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं लिखिया पत्र कहा इलाज के बहाने डेरा मुखी नूं लिआंदा जा रहा जेल तो बाहर। केंद्र सरकार ने झोने के भाव च 72 रुपए का किया वाधा। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर बोले खेती कानूनों नूं लैके सरकार किसानों नाल गलबात करन लई तैयार है। साबका केंद्रीय मंत्री ते कांग्रेसी आगू जितिन प्रसाद भाजपा च शामिल बोले ये मेरी जिंदगी का नवा चैप्टर ते सोच समझ के लिया गया फैसला। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार मठी पैन लग पई है। लगातार पिछले 2 दिनों तो कोरोना वायरस के मामले 1 लाख तो भी घट आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना के 92,000 के करीब नवे मामले सामने आए हैं तो एक दिन च कोरोना कारण 2,000 तो वध लोगों ने जान गवाई है। अज लगातार 27वें दिन देश में कोरोना वायरस के नवे मामलों नालों ज्यादा रिकवरी हुई है। 8 जून तक देश भर के कोरोना वैक्सीन दीआं 23,90,00,000 तो भी ज्यादा खुराक दित्तियां जा चुकी ने। भारत में रिकवरी दर हुण वध के 94.55% हो गई है। सेहत मंत्रालय मुताबिक हुण तक 2 करोड़ तो भी वध लोग सेहतयाब हो चुके ने। पिछले 24 घंटे दौरान 1 लाख तो भी वध लोगों नूं हस्पताल तो छुट्टी दे दी गई है। एक बार मुड़ तो नजर मार दें अज दीआं मुख खबरां ते। राकेश टिकैत की ममता बैनर्जी नाल हुई मुलाकात किसानों च उत्साह भाजपा च पाई जा रही निराशा। ममता ने किसानी अंदोलन का समर्थन जारी रखने का दिता भरोसा। पंजाब सरकार कोलों मदद मंगदा रह गया DSP हरजिंदर सिंह कोरोना नाल जूझदियां लुधियाणा के हस्पताल च हुई मौत। पंजाब कांग्रेस छपिया कलेस उलझाण वाली कमेटी 3 या 4 दिनों में हाईकमान को सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी मैंबर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जानकारी। राजस्थान कांग्रेस च फिर सियासी हलचल सचिन पायलट नाल कीते वादे पूरे करन दी उठी आवाज। फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। तुसी वेखदे रहो प्रवासी टीवी। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।